रामलला के दर्शन करने मुंबई से पैदल निकली मुस्लिम युवती शबनम शेख अयोध्या से अब 179 किलोमीटर दूर है। वो इस वक्त यूपी के फतेहपुर में पहुंच चुकी है। हिंदू धर्म से प्रभावित शबनम शेख का कहना है कि मुझे पैदल चलते हुए पूरे 35 दिन हो चुके हैं। मेरा मकसद केवल भगवान राम के दर्शन करना है। मैं रामलला के चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। उन्होंने बताया कि मैंने बचपन से रामायण देखी है, रामलीला देखी है, भगवान राम के किस्से सुने हैं। कहीं ना कहीं मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई हूँ। हिंदू इलाके में रहने के कारण मैंने उनके बारे में काफी कुछ जाना है। बचपन से ही मैं उनको मानती हूँ। मैं 21 दिसंबर 2023 को मुंबई से पैदल चली थी। अब बस हमारी 179 किलोमीटर की यात्रा बच गई है। मेरे साथ 3 दोस्त हैं, 2 मुंबई से हैं, 1 दोस्त भोपाल से है। उसने भोपाल से हमें ज्वाइन किया है। शबनम ने कहा कि मेरे तीनों दोस्त यात्रा के दौरान मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं। हम रात रात भर चलते जा रहे हैं। अगर मेरे पैरों में दर्द होता है तो वो मसाज कर देते हैं। उसने बताया कि हमने 1400 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे राम लला के दर्शन करने का मौका मिला है। हम सभी के अंदर भगवान राम बसे हैं। उन्हीं की कृपा से मेरी अभी तक की यात्रा अच्छी गई है। शबनम आगे कहती है कि अगर भगवान राम ने 14 साल का वनवास काटा है तो क्या हम उनके मंदिर जाने के लिए पैदल यात्रा भी नहीं कर सकते। मैंने देखा है कि कोई साइकिल से तो कोई बाइक से तो कोई पैदल ही रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहा है। ऐसे में मैं भी अगर भगवान राम के दर्शन के लिए पैदल जा भी रही हूँ तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हम बस राम नाम जपते हुए चलते जा रहे हैं। इंतजार है तो बस राम भगवान के दर्शन का। शबनम शेख ने ये भी कहा कि मैं 22 तारीख को रामलला के दर्शन करने नहीं पहुँच पाई, उनके उद्घाटन में शामिल नहीं हो पाई। इस बात का मुझे बेहद ही अफसोस है, लेकिन मैं रामलला के दर्शन जरूर करूंगी। कड़ाके की ठंड के बीच पैदल यात्रा में शबनम शेख के पैरों में छाले पड़ चुके हैं, लेकिन उनकी आस्था के सामने छाले बोने नजर आ रहे हैं। सफर में तमाम दुश्वारियों के बीच शबनम के चेहरे पर न थकान दिखाई दी और न ही चेहरे पर कोई मायूसी है। राम नाम और राम भजन गाते हुए हिजाब पहनी शबनम अपने सफर को आसान बना रही है, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। दर्शनों के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। अयोध्या पहुंच रहे राम भक्त क्या कुछ बोल रहे हैं, जरा आप सुन लीजिए। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो अयोध्या का इतना विकास किया है। अयोध्या का विकास कोई भी आदमी नहीं कर सकता था, कहते जितना इन्होंने योगी जी और मोदी जी के सानिध्य में हुआ है। और 2024 में मोदी जी और 2029 में योगी जी। जय श्री राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे जनेऊ धारण करने से ब्राह्मण नहीं होता है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आप यदि भक्ति करते हैं तो भक्ति का कोई संगीत नहीं होता। राम से बड़ा है राम का नाम, राम से बड़ा है राम का नाम, मुख से निकला अंत अंत में निकला यही परिणाम। राम से बड़ा है राम से बड़ा राम का नाम। आपका क्या विचार है? आज तो राहुल गांधी हनुमान का रूप लेके गया। डरता डरता जो है रूम के पीछे छिपा था कि मम्मी कहीं डांट ना दे, हनुमान बन के जा रहे हैं। तो आप शबनम शेख की इस पैदल यात्रा पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।